दिन में हमारा पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च था, बहुत ऐतिहासिक दिन हमारे लिए। किसी भी हिंदुस्तान में भी किसी फिल्म का ट्रेलर पार्लियामेंट में लॉन्च नहीं हुआ, बट क्या फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, उसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं हम लोग, देर से आए। तो हम लोग ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद सवाल जवाब जो होंगे। उन्होंने प्रेम सहगल का किरदार निभाया। ये फिल्म जो आईएनए ट्रायल्स पे है, इसमें आज़ाद हिंद फौज के तीन अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारे जो ट्रेलर लॉन्च था, तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में, और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। कैनी को मैं बुलाना चाहूँगा, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया और बाकी तो लोग हैं, तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग से आप लोग जो भी सवाल करें। पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च किया गया, तो गुरदीप जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या पीएम मोदी को भी आप ये ट्रेलर दिखाएंगे या पिक्चर दिखाने की आप लोग की ऐसी कुछ प्लानिंग है? हिमांशु जी आपसे भी जानना है, गुरदीप जी पहले आपसे। पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, ठीक है, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा कि राष्ट्रपति भवन में इसका प्रीमियर होगा, उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर का ये रहता है कि उनको 2.5 घंटे अगर हम रोक के रखेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो देश के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट जरूर हम उनको दिखाएंगे। दिग्विजय जी, आप चाहेंगे कि ऐसा हो? बिल्कुल, ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा हो, और गुरदीप जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी साहब, और जो भी आने वाला है, सब पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो जाते हुए प्रेसिडेंट होंगे और जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों के लिए एक ये उनका इनका इनका लास्ट ऑफिशियल एक प्रोग्राम होगा और उनका फर्स्ट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा, ये कोशिश हम कर रहे हैं। गुरदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा टीवी प्रेजेंट राजदेश, या इससे पहले भी फिल्में हो चुकी हैं? और अगर पहली बार हो रहा है तो पहली बार हो रहा है, तो यकीन अगर आप दुनिया में देखिए, दुनिया में देखिए, इफ आई कैन कंटिन्यू माय क्वेश्चन सर, अगर पहली बार हो रहा है तो उसकी क्या खास वजह, और ये एक कमर्शियल सिनेमा है, शायद इसका जो इसकी जो फंडिंग होगी वो यू नो सरकार की तरफ जाए या पार्लियामेंट तक पहुँचे या देश हित में और लगाया जाए, ये किसका आइडिया था कि फिल्म प्रोड्यूस करनी और इस लेवल पे कमर्शियल एस्पेक्ट से? ये आइडिया नया नहीं है। अगर आप देखिए दुनिया में जितने पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, वो फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि 70 साल की यात्रा है, बहुत अमीर मुल्क नहीं था, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के पास वो स्पेस नहीं थी, तो वो नहीं हुआ। राज्यसभा टीवी जब बना तो ये तय हुआ, सब पार्टीज इसमें शामिल हैं, गवर्नमेंट का तो है नहीं है इसमें, जो हमारी कमेटी है सारी पार्टीज के मेम्बर उसमें रहते हैं, तो ये वो कुछ चीज़ें जो देश में नहीं हुई हम वो करें। और अब जो कमेटी में हमारा एक्चुअल में डिस्कशन हुआ था ये कि फिल्मों का रोल क्या है इस देश में, उसमें सीताराम येचुरी थे, उसमें राजीव शुक्ला थे, जावेद अख्तर थे, श्याम बेनेगल थे, मंगेशकर थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, चंदन मित्रा थे, ये सब लोग उस कमेटी के मेंबर थे। और वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि 47 में हम आज़ाद हुए, फिर गणराज्य बना, लोकतंत्र बना, और सबको वोटिंग का राइट मिल गया, और 80% लोग निरक्षर थे, तो ये देश लोकतंत्र कैसे बना? और एक सबका यही मानना था कि इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा, कि हमारे यहाँ फिल्मों ने वो सिखाया जो किताबों ने नहीं सिखाया। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, और जैसे कहा कि 4 जनरेशन हो गई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, वो उसके बाद पैदा हुए, तो उनको ये याद कराया जाए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो कई सारे चैप्टर्स उसमें लिए जाएँ। पहला प्रोजेक्ट ये है, ये आखिरी नहीं है राज्यसभा टीवी का। और फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। ओके उपल जी, मेरा उपल सर, मेरा सवाल आपसे, आपने अभी कहा, जब मैंने पूछा, आपने कहा राज्यसभा टीवी शायद पहली बार, और अपने आप में एक यूनिक बात है, और आपने कहा कि सब पार्टियों के मेंबर नेतागण उसका हिस्सा रहते हैं। जब राजदेश पे आप काम कर रहे थे, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि एक 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 डायलॉग आता है फिल्म के अंदर कि कंवलजीत साहब कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए था और उनके लिए लड़ना चाहिए था आपको, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए लड़ना चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहिए था, कहीं एंटी लगता है नहीं, 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 तो लेट दिग्विजय जी, इफ यू वांट टू से समथिंग सर, दिग्विजय सर।
ओके गोपाल साहब, तो क्या उन पार्टियों ने जो इस वक्त पावर में नहीं है उन्होंने देखी थी और उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो मेंबरान साथ में थे आपके कि हाँ चलिए प्लीज गो अहेड एंड मेक द फिल्म? मुझे लगता है हम थोड़ा अंडरएस्टिमेट करते हैं जिस मैच्योरिटी में हम लोग पहुंच गए हैं मुल्क, जो हुआ वो दिखाया, किसी को ना तो खुश करने की कोशिश हुई है ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश हुई है, जो जैसा हुआ देश में और एज अ नेशन इतने मैच्योर हम हो गए हैं कि जो हुआ उसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। जो तिमाशु जी कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को ना तो क्रिएट करने की कोशिश की है ना ट्विस्ट करने की कोशिश की है, तो उसमें सर मेरा सवाल ये है कि क्या वो मेंबरान जो आपने कहा हिस्सा है राज्यसभा की, यही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर को ऐसा नहीं है कि वही चीज देखते हैं जो उनको पसंद है। Sir, do you want to say something? You are supposed to say something. Sir, you have pointed out right the beginning about how... वो एक सीरीज के तरीके से था, इस पर बनाई है कमर्शियल एक फिल्म है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसी तरह का जैसे संविधान एक सीरीज था, एक सीरियल था, टेलीविजन इसे भी उसी तरह दिखाया जा सकता है आफ्टर द रिलीज? संविधान पहला प्रोजेक्ट था जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिला कि इस तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। ये फिल्म तो फिल्म है, इसके फिल्म के कुछ समय बाद इसी का एक लार्जर वर्जन एक सीरीज के रूप में भी है, वो भी तिमाशु भाई बना रहे हैं। तो क्योंकि फिल्म में तो दो घंटे में सारी बात कहनी है और ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बाद 6-6.5 घंटे का एक सीरीज भी हमारी पूरी है जो 12-13 एपिसोड के रूप में सामने आएगी। वो डिपेंड करेगा कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन तिमाशु भाई उसको बना रहे हैं।